कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.1। उसके अंदर हमने सीखा था कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हम क्या काम कर रहे थे। लेट्स से हमारे पास कोई इक्वेशन है x-2 = 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें एक साइड पे x को रखना है, मतलब कि वेरिएबल को हमको एक साइड पे रखना है, और बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट है उन सबको दूसरी साइड पे रखना है। तो बेसिकली यहां पर x वेरिएबल है और 2 और 7 कॉन्स्टेंट है, तो x को हमको यहीं रखना है और 2 और 7 को हमको इधर लेके जाना है। तो हम क्या कर रहे थे कि मेरे को यहां से -2 को हटाना था, तो फिर मैं दोनों साइड पर 2 को ऐड कर रहा था, जिससे कि इक्वेशन भी सेम रहेगी, इक्वेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे और हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हम क्या कर रहे थे, 2 से 2 कैंसिल कर रहे थे, इधर 7 + 2 ये 9 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हम ऐसे करके सॉल्व कर रहे थे। बट अब से आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके अंदर हमें बार बार ऐसे नहीं करना है कि पहले हम लिखेंगे यहां पर कि एडिंग 2 टू द बोथ साइड्स, फिर उसके बाद हम दोनों साइड पे 2 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। हम ये चीज डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, ये स्टेप लिखने की हमें जरूरत नहीं है, मतलब कि हम यहां पर 2 डाल रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। हमें क्या करना होगा, जैसे x-2 = 7 ये इक्वेशन है, तो सिंपली हम इस -2 को हम इस साइड पर लेकर आ जाएंगे, जैसे कि ये जो टर्म है इसको हम इस साइड पर लेकर आ जाएंगे। अभी ये LHS के अंदर है, LHS से हम RHS पे लेकर आ जाएंगे। तो किसी भी नंबर को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करना बोलते हैं ना, एक साइड से दूसरी साइड पर हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि यहां पर ये -2 है, तो अगर हम -2 को इस साइड पर लेकर आएंगे ना तो ये +2 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी ऐसे बन जाएगी x = 7 + 2। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी ये इक्वेशन बनी हुई थी, x ये 0 है = 7 + 2। तो अब हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि यहां पे हम +2 ऐड कर रहे हैं, यहां पे +2 ऐड कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x = 7 - 2 7 + 2। मतलब कि यहां पर जो टर्म थी उसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि जैसे कोई प्लस का नंबर है, अगर हम प्लस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं LHS, फिर इधर हम लिख लेते हैं RHS। अब लेट से कि यहां पर कोई नंबर है जैसे कि प्लस एक्स है, तो अगर हम LHS से प्लस एक्स को इधर लेके जाएंगे RHS पर तो वो हो जाएगा माइनस एक्स। अगर LHS में माइनस एक्स है इधर हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। अगर कोई नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर वो करेगा डिवाइड, और इधर कोई नंबर अगर डिवाइड कर रहा है किसी को तो उधर जाकर वो नंबर करेगा मल्टीप्लाई। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट से हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x = 7, या फिर सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं हम x + 2 = 7। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर x रखना है, बाकी सारे कांस्टेंट को हमको इधर लेके जाना है। तो +2 है, +2 को अगर हम इधर लेके जाएंगे मतलब उसकी साइड चेंज करेंगे तो +2 इधर जाकर बन जाएगा -2। तो जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी x = 7 - 2, यानी कि 5। तो ये फर्स्ट रूल है, जो प्लस होगा प्लस को अगर हम दूसरी साइड पर लेके जाते तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन ऐसी होती x - 2 = 7, अब हमें क्या करना है, अब हमको -2 को इधर लेके जाना है, तो -2 इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा +2, है ना। कोई माइनस का नंबर होता है जब उसकी हम साइड चेंज करते हैं तो वो बन जाता है प्लस। तो इक्वेशन बन जाएगी x = 7 + 2, यानी कि 9। थर्ड केस देखते हैं, = 9, ठीक है, तो यहां पर 9 है। थर्ड केस देखते हैं हम, अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती 2x = 10, तो अब देखो 2 और x, ये इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर मेरे को 2 को यहां से हटाना है और इधर लेके जाना है, तो अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 2 10 को डिवाइड करेगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x = 10/2, यानी कि 5। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होती कि x/2 = 5, तो अब 2 क्या कर रहा है, x को यहां पे 2x को डिवाइड कर रहा है। तो कोई नंबर डिवाइड कर रहा होता है और हम उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x = 5 * 2, यानी कि 10।
तो यही रूल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, अगर एलएचएस में प्लस है, कोई नंबर प्लस हो रहा है तो आरएचएस में जाके माइनस हो जाएगा, अगर आरएचएस में प्लस है तो एलएचएस में आके माइनस हो जाएगा, मतलब वाइस वर्सा होता है दोनों के अंदर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि जब हम किसी नंबर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर प्लस होता है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड में जाके वो डिवाइड करेगा, और अगर एक साइड पर वो डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कैसे नंबर्स को लेकर जाते हैं, मतलब अभी तो हमारी इक्वेशन सिंपल सी थी, जैसे कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, इस टाइप की सिंपल सी इक्वेशन थी, इधर बस दो ही टर्म है तो हमको पता है कि 2 को इधर लेकर जाना है। बट क्या होगा कि अगर जैसे इक्वेशन हमारी ऐसे हो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, तो अब हम इस साइड पे क्या लेके जाएंगे, पहले हम ये वाला 2 लेके जाएंगे या पहले हम ये वाला 2 लेके जाएंगे, तो इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो ये चीज हम पहले क्लियर करते हैं। तो हम वो नंबर दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं जो पूरे के पूरे एलएचएस के साथ या पूरी की पूरी साइड के साथ ऑपरेशन में होता है, मतलब कि जैसे 2 ये वाला 2 है तो ये 2 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम इसको इधर नहीं लेके जा सकते हैं, तो इस केस के अंदर हम पहले 2 को इस साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 2। फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे, 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 बाय 2 यानी कि 4। अगर इक्वेशन हमारी अलग होती, अगर हमारी इक्वेशन ऐसी होती, देखो 2 फिर ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, अब इस केस के अंदर हम 2 को इधर लेके नहीं जाएंगे पहले, क्यों, क्योंकि देखो 2 ये जो बाहर वाला 2 है ना ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ये वाला 2 इधर लेके जाएंगे, तो इस 2 को अगर हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, देखो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कैंसिल होगा, इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, यहां पर प्लस था इधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा हमारा 3। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, जो नंबर है पूरे साइड के साथ ऑपरेशन में है ना, जैसे यहां पर 2 है मल्टीप्लाई कर रहा है पूरे एलएचएस को, इसलिए इधर जा रहा है, इधर है ये पूरे एलएचएस को के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अभी नहीं जाएगा तो पहले जाएगा 2 इधर। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना होता है कि पहले हमको कौन से नंबर को ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी साइड पे, मोस्टली लोगों से यहीं पे गलती होती है, तो आप यहां पे गलती मत करना। तो इसके साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ गया हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।